तरुणम देखकर ऐसा लग रहा है कि दुआओं से करामत नहीं होने वाली, और जब तक हरकत ना हो बरकत नहीं होने वाली। कहना है कि दुआओं से, थोड़ी सी आवाज दी दो यार, कहना है कि दुआओं से करामत नहीं होने वाली, और जब तक हरकत ना हो बरकत नहीं होने वाली, और जो खताबार हैं वो छोड़ दिए जाएंगे, बेखताओं की जमानत नहीं होने वाली। देखिए मुकाबले का आगाज हो चुका है सामने। जब तक हरकत ना हो बरकत नहीं होने वाली। हाँ समझ लो बेटे। लेकिन मीना जी लाइट दे दो, थोड़ी सी लाइट धुआं। अरे मीना जी क्या कर रही हो इधर देखो। मीना जी इधर देखो, तुम भाई साहब पीछे हो जाओ थोड़े से, तुम्हारा काम नहीं है मुकाबला भाई। इन्हें मैडम की दुकान को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं। पीछे हो जाओ, हमारी तुम्हारी भर्ती कब है। नहीं तुम यार हिल के वहीं रह गए, थोड़े से पीछे हो जाओ। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, हो जाओ भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप थोड़ा पीछे हट जाइए। मीना जी इधर देखो, कि ऐसी नजर से देखा मेरी जान कल गई जियो, और इनके पड़ोस में मेरी पहचान निकल गई। भाई ऐसी नजर से देखा इसने मेरी जान निकल गई, और इसके पड़ोस में मेरी पहचान निकल गई। है है। दिल का जुआ जो खेला तो मेरी ही जीत थी, पर क्या करूं कि बेवफा बेईमान निकल गई। लेकिन पर क्या करूं कि बेवफा बेईमान निकल गई। है है है। लेकिन मेरा कहना है, लेकिन आग सी सुलगती है होय होय बाबा, इन आशिकों के सीनों में, और ये हुस्न जब नहाता है भीगते महीनों में। कहना है कि आग सी सुलगती है भैया इन आशिकों के सीनों में, और ये हुस्न जब नहाता है भीगते महीनों में, काली काली जुल्फे हैं चांद जैसे चेहरे पे, अजी हम तो लुट गए यारो आके इन हसीनों में, हम तो लुट गए आके आके इन हसीनों। शुक्रिया। ये हमारे दोस्त आली जनाब तैयब भाई जो रुड़की से तशरीफ लाए हैं, बहुत सारा नजराना। अब मैं अपने इन दो तीन अशार पे सभी से तवज्जो चाहता हूँ, नौजवान दोस्तों से, और उस्ताद मोहतरम नौशाद साबरी साहब से भी, और आली जनाब साजिद बाजिद साहब और उनके वालिद मोहतरम हामिद साबरी साहब से भी अपने उस्ताद मोहतरम से तवज्जो चाहते हैं। क्या मीना जी, मीना जी ये कौन है आपके भैया? कौन है? शौहर। अच्छा तो थोड़ा सा पीछे हट जाओ यार। माशाल्लाह इनके शौहर भी लाली लाल नजर आ रहे हैं। लेकिन कहना है नौशाद भाई कहूं, इजाजत है? हाँ भाई मीना जी। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके,
दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के आए हो मेरी जिंदगी में। अभी मेराज भाई ने कहा था, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। शुक्रिया भाई, ये 100 रुपए लक्की खान साहब की जानिब से है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, दिलबर मेराज खान के लिए लक्की खान ने 100 रुपए दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, एक खान ने दूसरे खान को दिए हैं। ये चेंज कर दो भाई, हो जाए तो 100 रुपए आलम भाई, 100 रुपए जीलानी भाई की जानिब से इनायत हुए हैं, 200 रुपए। बहुत बहुत शुक्रिया किस बात पर। ये हमारे भाई वकील भाई ने, जो सैदपुर बदायूं तस्लीम आरिफ साहब के शहर में रहते हैं वकील भाई, इनकी जानिब से 100 रुपए इनायत हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी मेरा भाई ने कहा था कि आई हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, लेकिन मेरा भाई जी हमारा क्या होगा? बिल्कुल देखो तुम, कि आई हो आधी रात में, आई हो आधी रात में 16 सिंगार करके। जियो जावा में जावा। और ये बैठे हैं मेरे भैया, हाय। और ये बैठे हैं मेरे भैया चाकू पे धार धर के, आई हो आधी रात में 16 सिंगार करके। अरे सो रहे हो क्या बात है, बीमार हो गए हो तुम हैं? लेकिन कहना है मैडम, ए खुशबू तेरे बदन की मुझे रास आ गई। क्या बात है, वाह क्या बात है। ये राजू त्यागी कुटियासी वाले, उनकी जानिब से वही 500 रुपए दिलबर मेराज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया किस बात पर। खुशबू तेरे बदन की मुझे रास आ गई। नौशाद भाई ये सब तुम्हीं से सीखा है मैंने, और इतनी दूर बैठे हो तुम। खुशबू तेरे बदन की, ये 100 रुपए इमरान मलिक साहब की जानिब से। बहुत बहुत शुक्रिया। खुशबू तेरे बदन की मुझे रास, ये मेरी खुशनसीबी मेरे पास। कहना है खुशबू तेरे बदन की मुझे रास आ गई, और ये मेरी खुशनसीबी मेरे पास आ गई। आंगन मेरे मकान का बंजर जमीन था, नौशाद भाई इसके कदम पड़े तो वहां घास आ गई। लेकिन कहना है उस्ताद मोहतरम कह रहे हैं, ये हमारे नौशाद साबरी क्या कह रहे हैं देखो, मेरी जुबानी और कहते हैं क्या उस्ताद, बस जहर खाना था इतना नहीं किया। लेकिन नौशाद भाई वो हम नहीं सहना जिसे ये जबर आ जाता, ए मीना तेरी जुदाई में किस तरह चैन आ जाता। तू मुझे छोड़ के जिस आदमी के साथ गई, अल्लाह कसम बराबरी का भी होता तो सब्र आ जाता। बराबरी का भी होता तो सब्र आ जाता, बराबरी कभी होता तो सब्र आ जाता। लेकिन परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कहना है परों को खोल, ये जमाना उड़ान देखता है, और जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। वो हो कनीस कोई या के वो हो शहजादी, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। लेकिन मीना जी इतना सारा पाउडर कहां से लाती हो? मैं बताऊं कहां से लाती है? राम रहीम के यहां से। अजी राम रहीम तो जेल के अंदर बंद है भाई, तो क्या हुआ उनके चेले चपाटे चला रहे हैं स्टोर को। लेकिन कहना है कि बड़ों में बैठने से शऊर आता है,
और ये दुनियाएं फानी है फिर भी गुरूर आता है। अजी कुछ नहीं होता लाली पाउडर लगाने से, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। उस्ताद गजल का मतलब दे रहा हूं, तुम जैसा कह रहे हो वैसी कर रहा हूं। देखो कहना है क्या, बड़े गम उठाए मैंने, बड़े गम उठाए मैंने, अरे तेरी आशिकी के पीछे, बड़े गम उठाए मैंने 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 तेरी आशिकी के पीछे। बहुत बहुत शुक्रिया माहिर हसन साहब का। इस बात पर बड़े गम उठाए मैंने जी मैंने, बड़े गम उठाए मैंने जी मैंने, बड़े गम उठाए मैंने, ए हेलो, अरे तेरी आशिकी के पीछे, बड़े गम उठाए मैंने तेरी आशिकी के पीछे, बड़े गम उठाए मैंने तेरी आशिकी के पीछे। सौ रुपए ये गुलशेर बताया भाई आपने, एक बार बता दीजिए, सौ रुपए इनायत हुए भाईजान की जानिब से, बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात पर, तो बड़े गम उठाए मैंने अरे तेरी आशिकी के पीछे, नौशाद भाई, बड़े गम उठाए मैंने अरे तेरी आशिकी के पीछे, ये बला सी पड़ गई है, 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 अरे मेरी जिंदगी के पीछे, ये बला सी पड़ गई है, मेरी जिंदगी के पीछे, ये बला सी पड़ गई है, मेरी जिंदगी के पीछे, ये बला सी पड़ गई है। ये उस्तादे मोहतरम साजिद बाजी साहब और उस्तादे मोहतरम नौशाद साबरी साहब के जानिब से बहुत सारा नजराना दिल भर मेराज के लिए, और हामिद साबरी साहब के जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया। ऑपरेटर साहब थोड़ी सी चमक हल्की सी, कहना है क्या, ये तेरी रंगत, ये तेरी रंगत आंखें कयामत, फूल सा मुखड़ा चांद का टुकड़ा, पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट तेरा ध्यान किधर है, हमारा सामान इधर है। लेकिन ऑपरेटर साहब, ये तेरी रंगत आंखें कयामत, फूल सा मुखड़ा चांद का टुकड़ा, भाईजान जुल्फे सी आकार तुम हो अदाकार, नैनों में बिजली लगती है तितली, लेकिन जाने तमन्ना ये तेरा कगना, ऐसे मटकना इतना के चलना, ऐसे चली आओ चली आओ, अये चली आओ के रात सुहानी है, और तुम पे चढ़ती जवानी है, हो जाओगी सब ठंडी क्योंकि ये बरसात का पानी है। शुक्रिया है ये। ये
बहुत सारा नजराना सभी भाइयों की जानिब से और नौशाद साबरी साहब की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया किस बात पर। तो भाई ये तेरी रंगत आके करामत भूल सा मुखड़ा चांद का टुकड़ा ए भाई अब की चेंज करके ला रहे हूँ। क्या बात है माशाल्लाह, अल्लाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। कहना है ये सब सब पैसे वाली पार्टी है मैडम, अल्लाह का करम है या कोटे की कोटे भरे हैं पैसों से। मास्टर ज्ञानेंद्र साहब की जानिब से, मास्टर ज्ञानेंद्र साहब की जानिब से 100 रुपए बहुत बहुत शुक्रिया किस बात पर। ये तेरी रंगत आखे कयामत फूल सा मुखड़ा चांद का टुकड़ा जुल्फे सियाकार तुम हो आकाकार नैनों में बिजली लगती है तितली जाने तमन्ना ये तेरा कहना ऐसे मटकना इठला के चलना। और नौशाद भाई दिल्ली या झांसी मथुरा या काशी इनकी उदासी लगवा दे फांसी इनकी उदासी लगवा दे फांसी के जादू जादू कुछ ऐसा चला देती हैं तेरी आंखें और मुझको दीवाना बना देती हैं तेरी आंखें और हर तरफ कत्ल के आसार नजर आते हैं अल्लाह कसम ऐसा माहौल बना देती हैं तेरी आंखें। लेकिन कहना है अपनी हस्ती व शान दे देंगे और मांगने पर ईमान दे देंगे। तुम एक बार हंसकर मीना जरा इधर देख लो ये लौंडे हंस हंस के जान दे देंगे। इसीलिए कहना शेर सुनो, कहना है क्या, कभी शहरों में गया हूं। सामईन मेरी पहली हाजिरी है, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना क्योंकि मैं समझ रहा हूं आप क्या सुनना चाहते हो, वैसी सुनाऊंगा मैं सारी रात। कहना है क्या, कभी शहरों में गया हूं अरे कभी इसके गांव पहुंचा, कभी शहर में गया हूं और कभी इसके गांव पहुंचा। ओ मीना अरे कभी शहर में गया हूं जियो अरे कभी इसके गांव पहुंचा, मैं कहां कहां फिरा मैं कहां कहां फिरा हूं मैं कहां फुलझड़ी के पीछे और एक शेर बस आखिरी शेर पढ़ूंगा लेकिन कहना है उससे पहले क्या, मेरे बाप मुझसे एक दिन। नौशाद भाई जब कोई बच्चा गलत काम करता है तो बाप ही समझाते हैं और ये हमने तुम ही से सीखा है। आवाज थोड़ी सी आवाज बढ़ाऊं ऊपर को, जैसी थी वैसी कर दूं। मेरे बाप मुझसे एक दिन लग कहने यूं बिगड़ कर, मेरे बाप मुझसे एक दिन और लग कहने यूं बिगड़ कर, तो मेरे बाप मुझसे के दिन अजी लग कहने यूं बिगड़ कर, क्यों मिटा रहा है हंसती क्यों मिटा रहा है हंसती क्यों मिटा रहा है हंसती। अरे इस दिल जली के पीछे क्यों मिटा रहा है हंसती, इस गली के पीछे क्यों मिटा रहा है हंसती, इस दिल जली हसी थी इस दिल जली के पीछे।
और भाई दिलवर भाई जी देखो वो सामने चच्चा बैठे हैं चश्मा लगाए तुम्हें दिख रहे हैं दिख तो रहे हैं माशाल्लाह बड़ा खुश है मैडम की तरफ कोई देख रहे हैं मीना जी मीना जी लेकिन इस भतीजे को नहीं देख रहे हैं मैडम को ही देख रहे हैं दे दूं खुराक खुराक दे दूं मीना जी के तुमको देखेंगे कवारे तो प्यार मांगेंगे वाह क्या बात है कहना है कि तुमको देखेंगे ये कवारे तो प्यार मांगेंगे और बूढ़े बच्चे तेरे रुख की बहार मांगेंगे और अपने गालों पे लगाओ ना इस तरह पाउडर वरना मेरे चच्चा भी चुम्मा उधार मांगेंगे लेकिन शेर सुने सामी क्या बात है वाह चच्चा के लिए शेर सुना रहा हूं कहना है चच्चा के वास्ते तुम अरे इस महफिल में चली जाओ और उस्ताद के वास्ते तुम इस महफिल में चली आओ तो चच्चा के वास्ते तुम अजी इस महफिल में चली जाओ क्यों चच्चा भी लुट गए चच्चा भी लुट गए हैं चच्चा भी लुट गए हैं हेलो चच्चा भी लुट गए हैं अरे इन चच्चियों के पीछे चच्चा भी लुट गए इन चच्चियों के पीछे चच्चा भी लुट गए इन चच्चियों चच्चा भी लुट गए इन चच्चियों के पीछे चच्चा भी लुट गए इन चच्चियों के पीछे कहना है कि दिल अगर किसी का दुखाओगी मीना जी दिल किसी का अगर दुखाओगी तुम भी कोई खुशी ना पाओगी चैन मिल ना सकेगा मरकर भी अपने आशिक को घर सताओगी अपने आशिक को घर सताओगी लेकिन मकामे दिल कुशादा कर लिया क्या ए मीना मीना जी हेलो इधर देखो चलो अरे इतनी तारीफ ही तो तुम्हारी वो भी नहीं करते होंगे जितनी हम कर रहे हैं ये तो सांप की आवाज लग रही है सांप बिच्छू कहाँ से आ गए लेकिन अभी पता लगेगा कहाँ कहाँ जाते हैं सांप बिच्छू क्योंकि सांप बिच्छू तो जहाँ जाते हैं वहीं घुस जाते हैं इसीलिए कहना है क्या हेलो मेरे आगे ये अपनी शर्म से आंखें झुकाती थी क्या बात है मोहल्ले में हमारे जब कोई बारात आती थी मैं छुपता था मगर इसकी सहेली तड़पा जाती थी कि इसके इत्र की खुशबू मेरे कपड़ों से आती थी मेरे कांधे पे एक लंबा चमकता बाल मिलने पर अरे कहां से आ रहा हूं मां मेरी पहचान जाती थी ये जिन खेलों में अपना दूर तक रखती थी ना पाओ ये उन खेलों में आकर मुझसे हार जाती थी कभी लड़ती थी दुनिया से कभी अपने रिश्ते गवाती थी मेरी मीना मेरी खातिर बड़े सदमे उठाती थी कभी तन्हाई में शीशों के आगे बनती थी ये दुल्हन कभी छुप कर मेरी तस्वीर को दूल्हा बनाती थी लेकिन मकामे दिल कुशादा कर लिया क्या और कई लोगों से वादा कर लिया क्या ए ए टिन्नू की अम्मा बोलो बोल रहा हूं बोलो बोलो बस ऐसी रहे हूं नूर ही नूर है तेरी नूर ही नूर है तेरी दूर ही दूर है तेरी आगी नूर ही दूर है तेरी दूर ही दूर है तेरी कहना है नूर ही नूर है तेरी आंखें और दूर ही दूर है तेरी आंखें देखती ही नहीं किसी की तरफ कितनी मगरूर है तेरी आंखें
लेकिन मिला के नजर से नजर लूट लेगी भाई, ये मिला के नजर से नजर लूट लेगी और ये तस्कीनो कल्बो जिगर लूट लेगी। मेरे भाई इस हसीना पे भरोसा ना करना, खुदा की कसम घर का घर लूट लेगी। खुदा की, लेकिन हाँ भाई मीना जी क्या बात है, तुम्हारे सब अरे सारे बस्ते निकाल डाले तुम लोगों ने, अभी तो शुरुआत हुई है, खैर पूरी रात बाकी है। कहना है क्या आखिरी शेर सामाई, तुमको कसम है मेरी ए मीना, तुमको हाँ तुमको कसम है मेरी, ना उतारू ऐसे चेहरा। कहना है कि तुमको कसम है मेरी, ना उतारू ऐसे चेहरा, सुनहरी झील में कोई कवल खिलाऊं क्या। जियो। कहना है कि सुनहरी झील में कोई कवल खिलाऊं क्या, उदास बैठी हो कोई गजल सुनाऊं क्या, और सबूत मांग रही हो हमसे हमारी मोहब्बत का, उठा के आगरे से ताजमहल लाऊं क्या। अरे वाह, ले आओ ले आओ। तो तुमको कसम है मेरी, ना उतारू ऐसे चेहरा। सामीन आखिरी शेर कहना है क्या, तो तुमको कसम है मेरी, क्या पाले जियो मेरे भाई, ना उतारू ऐसे चेहरा, क्यों मैं जान लुटा दूंगा, मैं जान लुटा दूंगा, मैं जान लुटा दूंगा, मैं जान लुटा दूंगा, मैं जान लुटा दूंगा। ए अरे तेरी हंसी के पीछे मैं जान लुटा दूंगा, तेरी हंसी के पीछे मैं जान लुटा दूंगा, तेरी हंसी के ओहो मैं जान लुटा दूंगा, तेरी हंसी के पीछे मैं जान लुटा दूंगा, तेरी हंसी के पीछे मैं जान लुटा दूंगा, तेरी हंसी आ